कडाक्याची थंडी आणि रस्त्यावरती गेल्या 25 दिवसापासून आंदोलन करणारे शेतकरी, त्यामध्ये काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू देखील झालेला आहे, तरीही शेतकरी आणि सरकार यामध्ये सुरू असलेली बातचीत थांबत नाहीये। आता हे जे प्रकरण आहे, हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात देखील जाऊन पोहोचलेलं आहे। आता काय असेल या सर्व आंदोलनाची पुढची रणनीती, या संदर्भात माझ्यासोबत अखिल भारतीय किसान संघटनेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत। एक आहेत पंजाबमध्ये आणि एक आहे दिल्लीमध्ये। पंजाब ते दिल्ली यामध्ये नक्की काय घडत आहे या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। पाजी, क्या अब जो है कुछ किसानों की जो है शहीद हो गए है, दिन ब दिन आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, क्यों हलचल है कि पंजाब ऐसे रास्ते पे रहेंगे? जो हमारे 40 वर्कर कह दिए किसान लीडर, कुछ लेडी जी शहीद हो गया, जिदे का पंजाब से आंदोलन चलेगा। हमारा पंजाब के लोगों का लड़न का पहले शादियों तो लेके बड़े बुजुर्गों तक तजर्बा है, इसका हम डोलेंगे नहीं, असी संघर्ष करेंगे, कितने मर्जी साढ़े बंदे शहीद हो जाए, जितना तकर सरकार हमारिया सारिया मंगा नहीं मानदियाँ उन्ना चक्कर हम डटे रहेंगे, तो संघर्ष लड़ेंगे। तिने कानून सरकार रद्द नहीं करती, सेंटर सरकार हमारिया 8 मंगा, 8 दी 8 मंगा नहीं मानती, उन्ना चर हम संघर्ष जच के करांगे, जच के लड़ांगे। दिल्ली तो सर जी के लाए, सर जी बात देखी जाए तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुँचा है, क्या दिल्ली में हलचल चल रही है? आपको तो दिल्ली की पॉलिटिक्स का पूरा अनुभव रहा है। देखिए, दिल्ली की हलचल जो है ये पूरे दुनिया में फैली है, और देश का जो है कोई भी, हमारे यहाँ कहते हैं चूची बच्चा, चूची माने यानी सतन और बच्चा, यानी बच्चा बच्चा इस आंदोलन के फेवर में खड़ा हो गया आकर के। ये केवल किसानों का नहीं रह गया, ये आम जनता का आंदोलन बन गया है। ये मैं तो ये कहूँगा कि 99% लोगों का आंदोलन ये बन चुका है, और मोदी को पीछे हटना पड़ेगा। मोदी का जो अश्वमेध घोड़ा जो दोहरा रहा था वो सब जगह, जैसे उसने नोटबंदी में दोहराया, GST में दोहराया, लेबर के कानून ख़त्म किए, किसानों के ऊपर हमला किया, अब ये किसानों ने यहाँ आकर के उसके घोड़े को रोक दिया है कि भाई हम चलने नहीं देंगे आपकी। 6 साल वो झूठ बोलता था, अब उसकी झूठ चलने वाली यहाँ नहीं है। और ये आंदोलन इतना सफल, मैं 75 साल का हो गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है, और मेरे पास तो जहाँ तक मैं समझदारी है मेरी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, बढ़िया, शांतिप्रिय आंदोलन रहेगा ये। इसमें कितने ही लोग शहीद हुए हैं, कितने ही लोग शहीद हो सकते हैं, इसकी हमको ये नहीं है कि शहीदों का जो खून है वो जो बेकार नहीं जाएगा। पाजी, वैसे देखा जाए तो ये जो आने वाला है कानून तो आ भी चुका है, तो आपको लगता है सचमुच आपके आने वाले नस्लों पर इसका परिणाम होगा? जो सेंटर ने 3 कानून बनाए ने, वो हमारे कल्ले किसान विरोधी नहीं है, वो हमारे देश विरोधी नहीं है। जो हमारा बिजनेस है सारा तहनैस हो गया, जो हमारी छोटी फैक्ट्री है वो तहनैस होगी, जो मुलाजमा पर बहुत बुरा असर पे है, किसान पर बुरा असर पे है, मजदूरों पर बुरा असर पे है, हमारा जो कह दिए आमदन बहुत थाले चलेगी सारे देश की। हम इसको एक बात कहते हैं, मतलब एक क्यों कानून क्यों लेंदे ने, जे एक बीमारी लेंदे ने, क्या बीमारी आ गई, मतलब कोरोना आ गया, कोरोना का डराया, हम बीमारी नहीं समझ, बीमारी नहीं हम समझे, तीसरी संसार जंग है। जब दुनिया पर 2 दुआले पहला आए ने तो संसार जंग लगी, कि परमाणु भी चलिया, अभी परमाणु जंग लड़ाई नहीं, जंग नहीं ला सकते सारे दुनिया के जो समझदार लोग हैं, अभी उन्होंने हमको डरा दिया, बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, जमने सारी उम्र में हाथ नहीं धोते, 2 महीने हमारे हाथ दबा दिए उन्होंने, ये कोई बीमारी नहीं, बीमारी को बहाना लेके काले कानून ले आते ने, देश के आर्थिकता बहुत सट बजेगी। तो यू हम कल नहीं लड़ रहे, हम हमारे नाल 92% लोग इस धरने में आए हुए हैं, आड़ती लोग, मुलाजम, जो भी कितने वाले लोग हैं, सारे हमारे आंदोलन में हमें दे रहे हैं, हमको पैसा दे रहे हैं, बड़ी पद्धर से पैसे। एक बात इन्होंने होर करी है, जो हमारे पंजाब में उन्होंने असी आड़ती है कहने कमीशन जंट होता है, वो हम तो कुछ नहीं लेता, वो जो फसल खरीदता व्यापारी लेता काल उसके 20 मतलब जो आड़ती उनके मतलब छापे मारे एक टैक्स वाले ने, उसका भी हमने विरोध किया, सारे जथेबंद ने उत्थे टीम बनाती बाकायदे, वो जो दफ्तर ने दफ्तर घेरेंगे, जो एक टैक्स दफ्तर ने जो किसान आड़ती किताबा चक्कियाँ उन्होंने वापस तो हमें।
सही बात है। तो एक बात इसमें अड़ते की भी आ गई है, अड़ते में अभी इस साल में 127 लाख टन गेहूँ खरीदा है पंजाब से और उनकी कमीशन 2.5% से 610 करोड़ रुपए हो गई, ऐसा बोल रहे हैं। क्या एक कमीशन ज़्यादा है और एक कमीशन मोदी को लगता है कि कम करनी चाहिए? और एक बात, आड़ती की क्या भूमिका रही है पूरे पंजाब के इस आंदोलन में और पंजाब के इकोनॉमी में? देखिए, पहली बात तो ये आड़ती जो है आज का नहीं है। आड़ती हमारा जो है किसानों का एक एटीएम कार्ड है, यानी आड़ती के पास में अगर फसल नहीं हुई और पिछला पैसा उसका रह गया, आगे भी वो किसानों को जो है उधार दे देते हैं, जाइए अपना काम कीजिए, शादी कीजिए, कपड़े लीजिए, बच्चे का जन्मदिन मनाइए, मकान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आड़ती और किसान का दोनों का आपस का मेल है, टकराव भी है, टकराव भी हमने झेले हैं, लेकिन ये जो दो बड़े आड़ती हैं अंबानी और अदानी, उसको देना चाहते हैं, यानी वो जो है हमारी जो मेन आदत थी, मेन जो मार्केटिंग थी, उसको ख़त्म करके अपनी प्राइवेट मार्केट खड़ी करेंगे और यहाँ पूरी तरह से किसान के काम को नष्ट कर देंगे, यानी किसानी को खत्म कर देंगे। ये देखा जाए तो पंजाब में आड़ती की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जिस गांव में बैंक नहीं, उस गांव में 65% लोग आड़ती से पैसे ले, जिस गांव में बैंक पे वो भी 54% जो लोग है आड़ती से ही पैसे लेते हैं। पैरेलल इकोनॉमी हो गई है और मोदी ये पैरेलल इकोनॉमी खत्म कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जो पंजाब में हरा इनकलाब आया ना, वो तीन तरह ने उसका योगदान पाएगा। जो पहला योगदान है हरे इनकलाब का, किसान का है। दूसरा योगदान है हमारे मजदूर का, उसने बहुत अच्छा काम किया मजदूर ने। तीसरा योगदान है जो उसने आपकी पूंजी लगाई आड़तियों का। ये तिन्ना ने बस जो हरे इनकलाब का विकास करे, तिन्ना ने करेगा। पर जो तिन्ने मजदूर भी इसमें काम करता थी, किसान भी काम करता थी, आड़तिया पूंजी लगाता थीगा, ये तिन्ना को ज्यादा अमीर उस समय में आड़तिया बन गया, समझे बात। पूंजी ज्यादा आड़ती पास इकट्ठी होगी, चलो कोई बात नहीं। एक इलाका आड़ती है हरियाणा में, पंजाब में, वो हमारे कोई एडी तकलीफ वाली बात नहीं की। कदे हमारा रोलन पे हमको पैसे की लोड़ पड़ती है, हमको कोई तिल्ला हो गया, बीमार हो गया, वो हस्पताल में पहले पैसे लेके आ जाएगा आड़ती का, जो उसको पता लग गया हमको शादी की लोड़ है उससे पैसे लेके आए। ये जितना करोड़ा रुपया लाख आड़ती को जाता दिया, परिवार पालता दिया, पल्लेदार कितने परिवार पर दिए, ये मोदी देना चाहता दो आड़ती को, जो उसका कमीशन है। एक कमीशन सारे लोगों को वंडिया जाता थी, वो व्यापारी तो लेने सातों तो लेंदा नहीं आड़ती, वो जो खरीदता थी वो तो लेंदा ही। ये मतलब मोदी देना चाहता डाली डाली को, जो करोड़ा तो आपने बोले 10,000 लाख करोड़ रुपया तो आपने बोलिया ना कितना, वो सारा ए बानी को देना चाहता है जितनी आड़ता है। हम उसका विरोध करते हैं। आड़ती हमारे पास ने, आड़ती हमारे दोलन में आए तो उन्होंने छापे मार दिए। अच्छा, आड़ती आपके साथ ही है? हाँ बिल्कुल साथ है, हमको पैसा इकट्ठा करके देता है, हमको राशन दे के गए ने, बड़ी पत्र आड़ती हमारे नाल है भी। इस आंदोलन में आपको एक बात आपको ये कहना है कि मोदी जी क्रोनो कैपिटलिज्म लाना चाहते हैं कि दो व्यापारी रहे, बाकी सब छोटे छोटे जो व्यापारी वो खत्म हो जाए। हाँ हाँ, सारा छोटा व्यापार खत्म हो जाए। नहीं, पहले तो उन्होंने व्यापार खत्म कराया, छोटिया फैक्ट्रियां खत्म करिया, अभी तो हम हमारी खेती को कब्जा करना चाहते हैं। व्यापार तो खत्म हो गया, बड़े घराने ना भाई कब्जे में कर लिया, व्यापार तो सारा उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, बड़े स्टोर खोल दिए, बड़िया दुकाना खोल दिया, वो तो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, छोटा दुकानदार खत्म हो गया। अभी जो हमारी खेती है वो खेती से हमला है, हमारी मंडी से हमला है। जो उसके बराबर से प्राइवेट मंडी खोलनी है, जो हमारी सरकारी मंडी चलती है उसके बराबर प्राइवेट खोलेंगी, उसको कोई नहीं खर्चा पड़ता, उसे 200 रुपया मतलब फसल का बेचने का फायदा होगा, तो किसान को 100 रुपया दे देंगे, किसान सरकारी मंडी छोड़ के सारे उधर चले जाएंगे। जितने हमारी मंडी फेल होगी, जो अभी को वो चिप्स है ना, हमारा आलू 2 रुपये किलो लेके, तो चिप्स कितने की बिकती है, 100 ग्राम 10 रुपए की बिकती है, तब पर आटा लफाफे जी बाकी मिलेगा। अच्छा, हाँ जोड़ा आटा ना अभी लोगों को 24 रुपये किलो मिलता है ना, एकदू ज्यादा रेट नहीं होता, जो बड़े शहर में हो जाता है वो मिलेगा 70 रुपये किलो, ऐसा बनेगा। वैसे देखा जाए तो बात कर रहे हैं सर जी की ये व्यापारियों के लिए है, किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि शांता कुमार समिति जैसी कुछ समितियां नियुक्त गई थी और उनकी जो सिफारिश है उससे कानून आया है, वो स्टडी करके कानून आया है, ऐसे उस दिन उनके भाषण में क्या कहा, क्या कहते इस पर? देखिए आप एक बात बताइए, 2013 में जिस समय मुख्यमंत्री थे मोदी वहां के गुजरात के, ये जगह जगह घूम घूम करके ये कहते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है
अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं आते ही इसको लागू कर दूंगा, पहले ही बैच में लागू कर दूंगा। क्या था वो कि फसल का जेज गुना दाम यानी C2 प्लस है ना, और सबके कर्जे माफ। क्या किया? नहीं किया। अब शांता कुमार कौन है? शांता कुमार इनके ही आदमी है, इसके हिमाचल के हैं, बीजेपी के ही आदमी है। अब ये शांता कुमार की रिपोर्ट भी एक दिखावा है इसका, यानी ये किसी बात को भी नहीं मानता, केवल से केवल ये आदमी कॉर्पोरेट का आदमी है, अदानी अंबानी का आदमी है, अदानी अंबानी के ही जो कार्यक्रम है उसको लागू कर रहा है देश में। आपने कितने ही लेबर लॉज ने खत्म किया है, और खेती का मतलब ये है खुदरा व्यापार, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है उस पे कब्जा करने का इनका पूरा मंसूबा है। और इसको जो है किसानों ने भांप लिया कि केवल जमीन तो है ही, लेकिन ये खुदरा व्यापार वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो कि मुनाफे का है, कभी घाटा इसमें होगा ही नहीं, यही है। लेकिन ये बात ऐसे भी है, कुछ राज्यों में इसी इस तरह के कानून लाए गए हैं, इसका क्या परिणाम हुआ ऐसा लगता है आपको? किस राज्य में? जैसे कि मान लीजिए मैं समझ तो भी महाराष्ट्र में तो मंडियों के बाहर जो सब्जियां है वो बेचने के लिए परवानगी दी चुकी है। देखिए ये अभी थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन लंबे समय में क्या होगा, इस पे इनका कब्जा हो जाएगा। यानी खुदरा व्यापार में आपका प्याज आलू टमाटर इनके शोरूम में बिकेगा अदानी अंबानी के में, तो वो सब जब्त हो जाएगा, जो हुआ भी है। तो एक शांता कुमार समिति की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कहा है कि भारतीय अन्न महामंडल जो है उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, जो पंजाब से इतना सारा गेहूं खरीदता है। उससे दूसरी बात इसमें है शांता कुमार समिति में कि क्रॉप सिस्टम चेंज करना चाहिए, पंजाब में गेहूं और चावल होता है तो उन्होंने अदर पी जो क्रॉप है वो भी लेनी चाहिए। आपको लगता है कि क्रॉप सिस्टम चेंज होना चाहिए? नहीं, हाँ, जो हम ज्यादा धान पैदा करते हैं ना हमारा पानी भी नीचे जाई जाता है, गेहूं पैदा करते हैं तो हमारा पानी थले जाई जाता है, पर दोनों फसलों का सरकारी रेट है ना, हमको फायदा होता है। दूसरी फसल का सरकारी रेट नहीं है, हमको पता होता भी ऐसे रेट के सरकार खरीद लेगी, हम आता उस करके बीज दें। जो सारियां फसलों का सरकारी रेट बंधन, सब्जी को बंधन, सरसों का बंधन, गमारे को बंधन, जितनी भी फसलें हमारी उसका सरकारी रेट बंधन, तो हम दूसरी फसल बीजने लग जाएंगे। हमारा मक्की का बने दिया सरकारी रेट, वो तो 1800 रुपये रेट थी, पर खरीद दी कि 600 रुपये क्वार्टर को खरीद दिया। दो चीजें खरीदते हैं, मतलब चावल चूना ते गेहूं। अभी जो कॉटन है, कॉटन भी हमारी सरकारी रेट पर खरीद देने, तीन फसल खरीद देने, दूसरी कोई सरकारी फसल खरीद देने जो बनी हुई है, जो सरकारी रेट बन जाए कानून बन जाएंगे, एडू रेट जो घट खरीदेगा प्राइवेट बंदा उसके पर्चा दर्ज होगा, वो अपराध गिना जाए ना, फिर उसको खरीदनी पड़ेगी उस रेट को जो प्राइवेट बंदा नाल कानून बने। सारे भारत के किसानों की फसल एमसी रेट तो काट खरीद नहीं सकता, उसके बाद एमएसपी का ही मुद्दा है। हाँ, एमएसपी, लेकिन क्रॉप सिस्टम चेंज करते मोदी सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं ऐसा लगता है क्या? जिस तरह के अंग्रेजों के जमाने में नील का उत्पादन अंग्रेजों को चाहिए, तो बहुत खतरनाक काम है। अंग्रेज कहते थे कि आपके पास 12 किले वाहन है, 6 किले नील की खेती बुझो, नहीं किसान को कूट दे दिए, मार दे दिए। मैं वो किताब पढ़ी है, मैं अपने किताब पढ़ी है, तो वो नील की खेती बजाऊंगी किसान को कूट के। अभी मोदी कूट के नहीं बजाऊंगा, ऐसे कानून नहीं बजाऊंगा भी, इसको खत्म कर दिए सारा कुछ। जो उनको चाहिए वही फसल, हाँ वो तो हो ही जाने, जो कॉपरेट करा हमारी फसल उन्होंने हमारी जमीनों के हाथ में आ गई, वो आपकी मर्जी ना बीजेंगे, जो सरकार को चाहे वो बिजाएगी, जो कंपनियों को चाहे वो बिजाएगी, जो आम लोग भूखे मरेंगे। एक बात इसमें ये है कि किस पंजाब से अभी बोल रहे हैं कि ये जो आंदोलन है पंजाब का है, लेकिन पंजाब से पूरा देश 50-70% गेहूं खरीदता है, चावल भी 40-70% खरीदता है, और कॉटन की भी खेती ज्यादा होती है। देखा जाए तो पूरे देश की खेती अलग और पंजाब की खेती अलग, 1.5 गुना जमीन है सब पंजाब के पास। लेकिन अगर ये कानून 1.5% तो ये जो कानून आने के बाद पूरे देश पे असर पड़ेगा, और पंजाब का आंदोलन यानी पूरे देश पे असर करने वाला आंदोलन रहेगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए हमें मुख्य जरूरत क्या है, आज मुख्य हमारा जो भोजन है उसमें गेहूं है, चावल है, पूरी दुनिया में खाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में खाया जाता है, और हमें कोई इतराज नहीं है कि हम विकल्प खेती कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें
जितनी भी फसल होती है उसका MSP जो है कम से कम डिक्लेयर करे। पहले तो ये तीनों कानून वापिस हों, तीनों कानून जो है वापिस नहीं होंगे तो MSP का कोई मीनिंग रह नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कहते हैं MSP रहेगा, मंडी रहेगी, मंडी रहेगी कब तक रहेगी? जब जमीन नहीं रहेगी तो मंडी और MSP का क्या करेंगे हम लोग? तो MSP अपने आप खत्म हो जाएगी। जब जमीन खत्म होगी तो MSP को हमने कह भी दिया साल दो साल MSP रह सकती है, मंडी रह सकती है, उसके बाद मंडी नहीं MSP नहीं। और विकल्प खेती जो है उसका क्या है? वो तो कॉर्पोरेट करेगा, जो चाहेगा वो पैदा करेगा, जिसमें उसको मुनाफा होगा, जिसको उसको बाहर भेजना होगा। यही आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट में मामला है अभी, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे? कभी पहले बार तो उन्होंने कहा है कि किसानों को आंदोलन करने का हक है, तो अभी रस्ते पे आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है इसके ऊपर कुछ टिप्पणी देगा सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, और आपकी क्या राय है, किसान संगठन क्या सोचता है इसके बारे में? जब यहां से मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, उदो एक कोर्ट ने फैसला दिता थी जो नाज पे जिस तरह पंजाब में खराब हुई जाता है वो सारा गरीब लोगों च बंट दो। मनमोहन सिंह मेरी की बात है, तो मनमोहन सिंह ने क्या कह दी ना, कोर्ट अपनी दर्ज से रहे, उस सरकार को पता नाज बनने के बनने, हम कोर्ट को बेनती कर दें और के धैर्य रहे, हमारे खिलाफ कोई फैसला ना करें, जो फैसला करेंगे लोग करेंगे और धैर्य में रहे। तो फैसला जो है कोर्ट ना करे, सवाल किसानों का है ऐसा सर जी का कहना है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये जो आंदोलन है करेंगे या मरेंगे स्थिति में आ गया है। अब सरकार को कहना होगा तो इधर उधर की बात ना कर, खाली मुद्दे की बात कर। इस मुद्दे पर यह आंदोलन आ चुका है, आगे की क्या क्या होता है ये रणनीति किसान नेताओं से हम जानकर रहेंगे। शिवाजी काळे, मैक्स महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली, सिंगापुर।